solving trigonometry harder questions. So if we have a question like this tan theta is equal to P over Q and you have to find out the value of p sine theta minus Q cos theta over p sine theta plus q cos theta. What is the solution? questions you need to identify that each of the element is repeated like P has sine theta and Q has a cos theta. एंड वी हैव बीन गिवन द वैल्यू ऑफ टेन थीटर इज पी ओवर क्यू तो करना क्या है वॉट वी हैव टू डू इसमें हमें सिंपल है रिकग्निशन चाहिए कि हमें यहाँ पर टैन थीटा जनरेट करना है साइन थीटा को टैन थीटा में करने के लिए यू हैव टू डिवाइडेड बाई कॉस् थीटा तो क्या करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही मैं कॉस् थीटा से अगर डिवाइड करती हूँ तो मुझे टैन थीटा मिल जाता है बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे टैन थीटा की वैल्यू पी ओवर क्यू भी पता है तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं क्यू थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूँगी सो टाइफरकेटिंग द न्यूमरेटर इन डिमो डिनोमिनेटर अलग अलग कर दिया मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को और उसके एलिमेंट्स को और इंडिविजुअली क्यू कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया तो पी साइन थीटा को क्यू कॉस थीटा से डिवाइड किया क्यू कॉस थीटा को भी क्यू कॉस थीटा से डिवाइड किया सिमिलरली डिनिनेटर में पी साइन थीटा को कॉस क्यू कॉस्थीटा से डिवाइड किया और क्यू कॉस् थीटा को भी डिनोमिनेटर में क्यू कॉस्थीटा से डिवाइड किया सो so, मुझे क्या मिला पी ओवर क्यू साइन अपॉन कॉस टैन क्यू ओवर क्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे कॉस ओवर कॉस कैंसिल होंगे वन आ जाएगा सिमिलरली डिनिनेटर में भी पी ओवर क्यू टैन थीटा प्लस वन आ जाएगा